नमस्कार, आज ओडिशा में जो रेल दुर्घटना हुई है उसमें लगभग 200 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है अभी तक और 900 से ज्यादा लोग घायल हैं। इस दुख की घड़ी में मैं सभी संतप्त और दुखी परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। मन में कई बार ये प्रश्न आया कि आज दुख की घड़ी में इस मुद्दे को उठाऊं या न उठाऊं। इतना महत्वपूर्ण मुद्दा है कि आज इस मुद्दे को उठाना पड़ेगा। भारत सरकार के एजेंडे में सेफ्टी और सिक्योरिटी कहीं है ही नहीं। मैं रेलवे कमेटी का मेंबर हूं। पिछली कमेटी के मीटिंग में मैंने ये मुद्दा उठाया था कि सरकार सबसे पहले सुरक्षा और सेफ्टी पर ध्यान दे। सरकार का पूरा ध्यान पीआर पर, दिखावे पर लगा हुआ है, सेफ्टी और सिक्योरिटी पे नहीं लगा हुआ है। मैं 3-4 पैरामीटर आपके सामने रखना चाहता हूं जो सेफ्टी और सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है एंटी कोलिजन डिवाइसेस बहुत जरूरी होती है दो ट्रेनों को कोलिजन से रोकने के लिए। हमारे देश में लगभग 65,000 किलोमीटर का रेल नेटवर्क है, उसमें इन्होंने सिर्फ 1400 किलोमीटर पे ये डिवाइस से इक्विप किया है, जो कि 2% से भी कम है। अगर 9 साल में मोदी जी की सरकार ने सिर्फ 2% ही कवर किया है तो इसका मतलब इसको पूरा कंप्लीट करने में उनको 400 से भी ज्यादा साल लग जाएंगे। अगर ट्रेन के हिसाब से देखें तो हमारे देश में 23,000 के आसपास ट्रेन है। कहीं हमें इन्फॉर्मेशन मिला है सिर्फ 65 ट्रेनों पर इन्होंने एंटी कोलिजन डिवाइस लगाया है, जो कि 0.2% से भी कम है। ये स्पष्ट करता है कि सरकार की प्राथमिकता सेफ्टी पर नहीं है। एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, एक डिवाइस होता है एंटी डीरेलमेंट डिटेक्टर डिवाइसेस। 2014 में सरकार ने ये कहा था, 2014 से एंटी डीरेलमेंट डिवाइसेस सभी नेटवर्क पर लगाएंगे। इसका अभी तक कोई ब्यौरा नहीं है कि कितनी जगहों पर इन्होंने लगाया है, कितना इस पर काम हुआ है। एक और इम्पोर्टेंट चीज है जो रेलवे ट्रैक होती है उसके अपग्रेडेशन का। डीरेलमेंट को रोकने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि रेलवे ट्रैक्स को अपग्रेड किया जाए। तो 65,000 किलोमीटर के ट्रैक नेटवर्क में सिर्फ 37,000 किलोमीटर है जिसको इन्होंने तक अपग्रेड किया है, जो कि सिर्फ 50% है। तो मुझे ये लगता है कि आपका ट्रैक सिर्फ 50% अपग्रेडेड है, आपके पास एंटी कोलिजन डिवाइसेस सिर्फ 2% से कम है, आपके पास एडवांस सिग्नलिंग सिस्टम आप कहते हैं कि आपने सभी जगह लगाया है, और अगर एडवांस सिग्नलिंग सिस्टम आपने सभी जगह लगा दिया है तो फिर वो काम क्यों नहीं कर रहा है? प्रश्न तो उठता है, प्रश्न पूछना बनता है। इस दुख की घड़ी में मैं प्रश्न नहीं उठाना चाहता था, लेकिन मुझे लग रहा है ये इतना जरूरी प्रश्न है सरकार से पूछना पड़ेगा।